हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे जर्मन कप का मैच के बारे में जो खेला जाएगा एनर्जी कॉटबस और वर्डर बर्मेन के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 मैच खेले गए, जिनमें से एनर्जी कॉटबस ने इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच विन किया है और एक मैच ड्रॉ भी खेला है और 3 मैच इस टीम के सामने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी किया है। कहना का मतलब, जब भी एनर्जी कॉटबस इस टीम के सामने मैच खेलती है, जल्दी से मैच को विन नहीं कर पाती, बल्कि अधिकतर मैचेस लॉस कर लेती है और वर्डर बर्मेन इस टीम के सामने विन कर जाती है। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को वर्डर बर्मेन इस टीम के सामने 3-2 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 2 गोल कंसीड किया। और उसे मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला गया, दोनों टीमों ने एक ही गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से एक ही गोल कंसीड किया। और उसे भी मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को एनर्जी कॉटबस इस टीम के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज उस मैच में एनर्जी कॉटबस ने 2 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से इस टीम के सामने 1 गोल कंसीड किया। तो रिसेंटली अगर 3 हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाल जाए, तो दोनों टीमें जब भी आपस में खेलती हैं तो अधिकतर चांस रहते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर भी कर देती हैं और डिफेंस गोल कंसीड भी कर देती हैं। लेकिन उससे पिछले 2 मैच इन दोनों टीमों के बीच में और खेल गए और दोनों मैच को वर्डर बर्मेन इस टीम के सामने 3-0 और 2-0 से मैच को विन किए। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग अगर फेवरेट टीम के बारे में बात की जाए, तो यहाँ से वर्डर बर्मेन एक फेवरेट टीम देखने को मिलती है इस मैच में। तो इसीलिए मैं भी इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, एनर्जी कॉटबस करंटली 6 मैच खेल चुके, जिनमें से इस टीम ने 4 मैच विन करे हैं, एक मैच ड्रॉ भी खेला और एक मैच इस टीम ने लॉस किया है। अटैकिंग वाइज 3.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहना का मतलब, ये टीम रिसेंटली क्लब फ्रेंडली मैचेस खेली है और वो भी अपने से हल्की टीम के सामने सारे मैच इस टीम ने खेले हैं। और मैं आपके लिए बता दूं, एनर्जी कॉटबस जर्मनी की ये 3rd या 4th डिवीजन की टीम है और वंडर जो वर्डर बर्मेन टीम है ना, ये है 2nd डिवीजन की टीम और कभी कभी तो ये प्रमोट हो जाती है जर्मनी की मैन लीग होती है उसके लिए। तो यहाँ पर इन दोनों टीमों में अगर अंतर भी किया जाए, तो यहाँ से आपको ना वर्डर बर्मेन ही एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू यहाँ से एनर्जी कॉटबस। तो इसीलिए मैं वर्डर बर्मेन के फेवरेट टीम मान चलता हूँ, ओके। अब बात करें जो पिछला मैच एनर्जी कॉटबस 2-0 से मैच को विन किया, अटैकिंग वाइज 2 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। और उससे मुकाबले ये टीम 6-1 से विन की है और फिर मैच इस टीम ने 6-1 से विन किया है और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला और उससे मुकाबले ये टीम 5-1 से लॉस की है और एक मैच इस टीम ने 4-1 से मैच को विन किया है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम को वहाँ पर देखा जाए जहाँ पर ये खेलती है, तो वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है, अटैक भी और डिफेंस भी, और मैच को विन भी कर लेती है। लेकिन आज वर्डर बर्मेन के सामने ये टीम मैच को विन कर पाएगी? मुझे लग रहा है कि नहीं, तो शायद ही मुश्किल है इसके सामने विन करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टीम है और ये काफ़ी हल्की टीम है, ओके। लेकिन हम बात करेंगे वर्डर बर्मेन का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, वर्डर बर्मेन करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं, एक मैच ड्रॉ भी खेला और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज पर मैच 2 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, ये टीम पर मैच में गोल तो स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं इस टीम को पर मैच में एक और कभी कभी तो अपने बेहतर टीम सामने 2 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा है इस टीम का, अटैक भी है और डिफेंस भी काफ़ी शानदार है और मैच को विन भी कर लेती है, बहुत ही कम चांस रहते हैं मैच को लॉस करती है, ओके। अब बात करें जो पिछला मैच वर्डर बर्मेन टवेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है, उस टीम के सामने टीम 3-3 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैकिंग वाइज 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से भी 3 ही गोल कंसीड किए और एक मैच इस टीम ने बेसिक्ताज के सामने 2-1 से मैच को लॉस किया, फिर यहाँ से इस टीम ने 2-1 से मैच को विन भी किया है और एक मैच इस टीम ने ओल्डनबर्ग के सामने टीम 3-1 से मैच को लॉस किए। और उससे पहले 2 मैच इस टीम ने 2nd डिवीजन में खेले और 2nd डिवीजन में इसका जो परफॉर्मेंस था 2-0 और 3-0 से मैच को विन किया है। तो परफॉर्मेंस अगर वर्डर बर्मेन का रिसेंटली देखा जाए, तो काफ़ी शानदार है, अटैक भी और डिफेंस भी। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, मुझे लगता है कि लीग वाइज अगर इन दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर आपको फेवरेट टीम क्लियर कट वर्डर बर्मेन देखने को मिलेगी। और हेड टू हेड में भी देखा जाए, तो वर्डर बर्मेन का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने वो काफ़ी शानदार है और रिसेंटली अगर वर्डर बर्मेन का परफॉर्मेंस देखा जाए, तो वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर
एनर्जी कोडबस का जो परफॉर्मेंस है अपनी लीग में तो अच्छा है, हेड टू हेड में इस टीम का एवरेज परफॉर्मेंस है, रीसेंट फॉर्म इसका काफ़ी शानदार है, लेकिन एज कम्पेयर टू वर्डर बर्मन एक हल्की टीम है। ओके, तो इसीलिए मैं वर्डर बर्मन को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में शायद एनर्जी कोडबस एक गोल स्कोर कर दे, और मुझे लगता है कि यहाँ से वर्डर बर्मन इस मैच में 3 गोल आराम से स्कोर कर देगी। तो इसलिए अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है 1-3, और 1-3 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले जो नज़र डालेंगे एनर्जी कोडबस के प्लेयर्स के बारे में नज़र डालेंगे, फिर हम नज़र डालेंगे वर्डर बर्मन के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं एनर्जी के प्लेयर्स के बारे में। और हाँ दोस्त, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के टॉप के कमेंट में है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज के कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट निकाले। तो हम सब उस पर नजर डालते हैं एनर्जी कोडबस के प्लेयर्स के बारे में। एनर्जी कोडबस की तरफ से जो फोर्थ डिवीजन में जो हाईएस्ट गोल टेकर था प्रीवियस सीजन इस टीम के लिए, वो था यहाँ से एरिक, जिसने 19 गोल निकाले थे। अब यहाँ से ना आप इनका गोल को देखते हुए ना इन प्लेयर्स को बेहतरीन मत समझ लेना, क्योंकि वर्डन बर्मन के जो प्लेयर्स हैं इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उन्हीं को ट्राई करना जिनका गोल आ सकता है इस मैच में। ओके, मैक्सिम मिलान है जिसने इस टीम के लिए 12 गोल निकाले, निकोलस है जिसने 10 गोल निकाले, और यहाँ से मालकोल जो कि 5 गोल, और जोनास इस टीम की तरफ से कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस पेनल्टी करे, इसने प्रीवियस सीजन इस टीम के लिए पेनल्टी में गोल किया था एक। ओके, तो बाकी का रिकॉर्ड आपके सामने, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर लगा वो यहाँ से एक एरिक है और एक मैक्सिम मिलान है। तो इन दो प्लेयर्स को हम कहीं ना कहीं हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। बाकी यहाँ जो 3 प्लेयर है ना, ये इनको लाइनअप के बाद पोजिशन देखते हुए कि इनके अटैकिंग पोजिशन है या डिफेंस पोजिशन है, उसका अकॉर्डिंग हम इनको टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओके, तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर उनको मैं राइट का टिक कर दिया है, और इनका आप टीम में मतलब अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आप टीम बनाओ तो कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं फायदा रहेगा। ओके, तो अब बात आती है असिस्ट वाले प्लेयर्स पर, हम एक बार नजर भी डालते हैं। सॉरी गाइस, फोर्थ डिवीजन का मैं मतलब टीम है ये टीम, तो इसका असिस्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि असिस्ट वाले मुझे मतलब रिकॉर्ड मिला नहीं। ओके, तो चलिए हम जो सेकंड टीम है यहाँ से वर्डर बर्मन, उसके जो प्लेयर्स हैं उन पर हम एक बार नजर डालते हैं कि कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। ओके, तो गाइज वर्डर बर्मन तरफ से सेकंड डिवीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर मार्विन, जो कि इस टीम तरफ से 20 गोल निकाले थे और इसने 3 गोल किए थे पेनल्टी में, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अगर यहाँ से फुल कॉर्क खेलेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और इन दोनों प्लेयर को आप हम टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ से मार्को है जो कि इस टीम तरफ से 4 गोल निकाल चुका है, रोमानो 3 गोल, बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका आपके सामने रिकॉर्ड, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ जो टॉप बेस्ट प्लेयर है उनको मैंने राइट का टिक कर दिया है, और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो अब बात आती है जो इस टीम तरफ कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले देख जाते हैं, यहाँ से मार्विन जो कि इस टीम तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है और फर्स्ट हाईएस्ट असिस्ट टेकर भी है। फिर यहाँ से फुलबर्ग है गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, और यहाँ से रोमानो जिसने 5 असिस्ट निकाले, बाकी के रिकॉर्ड सामने है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ जो टॉप प्लेयर है वो आपके सामने फिर से देखने को मिलेंगे, और उन्हें प्लेयर को आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन हमने रखा है 1-3, और 1-3 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शामोलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे हम नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइस गोलकीपर सेक्शन से अगर बात की जाए तो यहाँ से वर्डर बर्मन एक फेवरेट टीम है इस मैच को विन करने के लिए, इसलिए हम 7 प्लेयर इस टीम का पिक करेंगे, और यहाँ से एनर्जी एक हल्की टीम है तो इसलिए हम इस टीम के 4 प्लेयर पिक करेंगे। गोलकीपर सेक्शन की बात की जाए तो बेहतरीन टीम रहती है जो उसके गोलकीपर को हम पिक नहीं करते, हमें हल्की टीम का गोलकीपर पिक करना होता है क्योंकि उसका ज़्यादा चांस रहते हैं टेस्ट होने का। ओके, तो इसलिए हम यहाँ से ई डोस को हम टीम में ट्राई नहीं यहाँ से ई बैटके को टीम में ट्राई करके चलते हैं। बात करें डिफेंडर सेक्शन से, तो यहाँ जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वेल कोविक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इनको ड्रॉप करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, यहाँ से फ्रेडले एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और शटार भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, तो इन 3 प्लेयर को पिक करना बनता है। बाकी का जितने भी प्लेयर्स हैं वो लाइनअप के बाद इनको ट्राई करेंगे क्योंकि इनका खेलने का चांस थोड़ा सा कम भी लग रहे हैं, और इतना ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट ये देंगे भी नहीं तो इनको मतलब खेलना मुश्किल है, इसलिए मैं अपनी टीम में भी ट्राई करके नहीं चल रहा हूँ। ओके, बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो यहाँ से रहनी चाहिए, यहाँ से पिक करूँगा रोमानो को, फिर यहाँ से हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे लिएंड्रो को, क्योंकि ये इस टीम की तरफ से काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, असिस्ट और गोल में भी इसका कंट्रीब्यूट रहा है। ओके, तो इनको पिक करना मेरे लिए बनता है। फिर यहाँ से आप एल बैक को पिक कर सकते हो, मैं इनको ट्राई करके चलाऊँ क्योंकि इसका डिफेंसिव पॉइंट कहीं ना कहीं आ सकता है इस मैच में। ओके, फिर यहाँ से होपमैन को अपनी टीम में अभी के लिए ट्राई करके चलाऊँ। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, तो मेरी फर्स्ट चॉइस यहाँ से रहेगी, हाँ यहाँ से
निकोल फुल्कबर्ग इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से आपके सामने काफ़ी हल्का सलेक्शन दिखेगा, लेकिन इस टीम की तरफ से टॉप बेस्ट प्लेयर है मार्विन, इनको आप हम टीम में ट्राई जरूर करके चलना। और यहाँ से एक प्लेयर है बुर्क है, बुर्क काफ़ी शानदार प्लेयर है, अगर ये खेलेगा ना तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और इनको भी आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन इसका खेलने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलाऊँ। ओके, फिर यहाँ से हम पिक करके चलें एक प्लेयर इस टीम का, यहाँ से हम एरिक को पिक कर चलें, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से निकोलस को पिक कर सकते हो या आपके सामने जो अदर चॉइस है मैक्सिम मिलान, इनको पिक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ एरिक को ही अपनी टीम में ट्राई करके चलाऊँ, बाकी को ड्रॉप कर चलाऊँ। ओके, तो बात करें कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी की, तो मैं अपनी टीम में जो कैप्टनसी देना चाहूँगा वो यहाँ से फुल बर्ग के सामने मैं जाना पसंद करूँगा। ओके, वाइस कैप्टन की बात की जाए तो यहाँ से आपके सामने मिलान भी है, मतलब इनको बना सकते हो, फिर यहाँ से रोमानो भी है, इनको बना सकते हो। मैं अभी के लिए मिलान को अपनी टीम में एज ए मार्विन को बना के चला हूँ एज ए वाइस कैप्टन। तो टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है, ये सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार एक टीम बनाई है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद पोजीशन देखते हो कि कौन सा प्लेयर अटैकिंग पोजीशन पर कौन सा डिफेंस है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के टॉप के कॉमेंट में है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। और हाँ दोस्त, आपके सामने जो अदर चॉइस है जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ये काफ़ी अच्छे हैं, वैसे भी ये कप का मैच है तो इनका कंट्रीब्यूशन आ सकता है इस मैच में। ओके, फिर यहाँ से एरिक को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको लगे कि ये कर सकता है तो उस कंडीशन में इनको ट्राई करके चल सकते हो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।